सो भाई इधर से मैं जा रहा था और मेरे को कुछ दिखा नहीं, ठीक है, सभी चले गए होंगे क्योंकि अभी मैं 3 घंटा 3.5 घंटा लेट हूँ। कोई नहीं, अभी मैं घूमूंगा इधर और थोड़ा देखते एक्सप्लोर करते भाई के लिए तो नहीं है। दिस इज डे 5 और अभी हम लोग जा रहे हैं मीटअप में। ढाके जैसे काफ़ी दूर है जहाँ पे हम लोग स्टे किए हुए हैं। मैं होटल में रुकना नहीं चाहता था इसलिए मेरे एक आंटी है इधर के घर में, मैं रुका था रात को। और अभी जा रहा हूँ मैं ढाका के मीटअप में और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं लेट से आ रहा हूँ, क्या करूँ यार, तुम लोग इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैंने सनस्क्रीन वगैरह सारा कुछ लगा लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मीटअप में, इधर से मैं पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, फेरी में जाना पड़ेगा, उधर से बस पकड़ के फिर हम लोग को जाना पड़ेगा ढाका। वो जगह का नाम क्या है अपने, रविंद्र सर 8 नंबर। हाँ, रविंद्र सर में 8 नंबर। रोटो फेरी। तो भाई सन पे आपको कैसा लग रहा है बांग्लादेश में? मिक्स रिएक्शन, मतलब आप ऑनेस्टली बताओ। अभी तो फिलहाल घर जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। देखो ट्रैफिक का कुछ है ही नहीं, वैसे उड़ा दे। होता है ना बाहर आके, मतलब एक होता है ना स्टे करने का, कोई स्टे करने का मन नहीं है ना? मन नहीं है। सही में भाई मेरा भी स्टे करने का मन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई लोग से तो मिल के जाएंगे। मेन तो तुम लोग हो ना, प्यार करते तुम लोग के लिए तो आया हूँ बांग्लादेश, ऐसे थोड़ी आया हूँ। चलो चलते हैं इधर से श्रीनगर घाट, फेरी घाट। अबे फेरी घाट कत 20 टका। सो गाइस अभी हम लोग रिक्शा में हैं। आ रहे, रुको थोड़ा देर, रुको मैं आ रहा हूँ। सो गाइस मैं भी कहा हूँ, मेरे को नहीं पता है, ठीक है, इधर से मैंने उबेर बुक किया। उबेर आ रही है ना? भाई उधर है भाई, बस में मेरा हालत खराब हो गया, उल्टी में। मेरे को कभी भी बस में आज तक उल्टी नहीं हुआ है, लेकिन इस बस में मेरे को उल्टी लग रहा था। फिलहाल इधर वेट करते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसे कि देख पा रहे हो ये रहा मेरा लोकेशन, ठीक है, सो सॉरी फॉर द लेट, बट क्या करो यार, इधर इतना सारा जैम है, ये है वो है। वो तो अच्छा उबेर यहाँ पे उबेर है, अगर नहीं होता तो क्या होता ना। उबेर का भाड़ा पता है तुमको कितना है? जैसे 500। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो पीछे दो बड़े बड़े बिल्डिंग है मेरे, ये रहा एक। तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज असेस, ये देखो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो गाइस मैं मीटअप के लिए निकला हुआ हूँ, लेकिन जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं इधर हूँ इस बिल्डिंग के सामने, तो किरानी गंज में हूँ। तो लेकिन इधर बहुत सारा जाम है और मैं आ रहा हूँ, ठीक है, लेट होगा तो भी मैं आ रहा हूँ। तो गाइस अभी भी हम लोग इधर वेट कर रहे हैं, ठीक है, इस मॉल के सामने भी गाड़ी आने वाली है, हम लोग वेट कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता भाई, मैं कभी गया नहीं हूँ, ठीक है, मेरा फर्स्ट टाइम है, आई एम कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम ब्रो। भाई इतना परेशानी मुझे किसी जगह नहीं हुआ है भाई, इधर जितना हो रहा है। एक सिटी में उबेर नहीं मिलती है, आर यू किडिंग मी ब्रो, एक सिटी में उबेर नहीं मिलती है। उबेर के लिए तुमको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, तो भाई मैं टैक्सी के लिए क्यों ना वेट करूँ। फ्रस्ट्रेटेड हो गया मैं। लेकिन एक बात मुझे मानना पड़ेगा, इधर के जो लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी फ्रेंडली हो, अच्छे लोग हैं। अल्लाह जी कैमरा, इंडिया का कौन लगे, इंडिया कौन अलग है ये बात तो मुझे मानना पड़ेगा, इधर के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, आप ही मानोगे। इसी एक चीज़ के लिए लोग आते हैं इधर का, लोगों के लिए, इधर लोग बहुत अच्छे हैं। चलो उबेर को आने दो, उसके बाद तुम लोगों को दिखाता होगा। तो गाइस उबेर हम लोगों का शायद यही है, यही है, गाइस अभी फाइनल हो, अभी हम लोग उबेर में हैं, तो इधर से जाने में कितना टाइम लगेगा दिखा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी के अंदर है और बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, जब तक पहुँचेंगे उसका ठीक नहीं है भाई। वो लोग आके वेट कर रहे हैं बारिश में, वेट कर रहा है भाई, अभी भी आधा घंटा है। जैम है जो ना, मैं जा रहा था और मेरे को कुछ दिखा नहीं, ठीक है, सभी चले गए होंगे क्योंकि अभी मैं 3 घंटा 3.5 घंटा लेट हूँ। खैर उनका दिखा, मतलब कोई नहीं, अभी मैं घूमूंगा इधर और थोड़ा देखते एक्सप्लोर करते भाई के लिए तो नहीं है। hey!
सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेरे को लगा नहीं था कि बांग्लादेश में भी इतने लोग आएंगे और बहुत लोग चले गए. एक्चुअली मैं 3 घंटा लेट हूँ, आई एम सो सॉरी. और इतना ट्रैफिक था मैं ट्रैफिक में करीब की 2 घंटा तो होगा ही, 2 घंटे नहीं है. अच्छा सुना, फिर आपको कैसा लग रहा है? तो गाइस चलो अभी हम लोग अभी खत्म करते हैं. मैं थोड़ा भाई लोग से पर्सनली बात करता हूँ कैमरे के बाद, भी मेरा एक लाइफ है. कौन घुमाएगा मेरे को डाका? मैं सब घुमाऊंगा आज ही एक ही दिन में मेरे को घूमना है एक ही दिन में. आपको घुमाना है ठीक है, क्योंकि मेरे को एक जरा भी पता नहीं है. मेरे को भी कोई घुमा देगा वो भी मुझे पता नहीं चलेगा ठीक है. मेरा जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर. अरे मेरे तरफ से उनको बहुत 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 हाई बोलना. वो बोल रही थी मैं भी ढाका यूनिवर्सिटी में भाई लोग के साथ, और थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाए. मीडियम भाई मेरे तरफ से इसको बांग्लादेश का पहला मैंने स्ट्रीट फूड में ट्राई कर रहा हूँ. लेट्स ईट. कैसा लगा भाई? पूरा एक बार मुखी जाओ तले बेसी मजा. ये भूल जाएगा ऊपर भाई. Oh.
नहीं हुआ। सो गाइस अभी हम लोग सरहदी उद्यान में है, मतलब इधर जैसे कि देख पा रहे हो, वो जो तुम लोग देख रहे हो ना वो क्या है ना, मतलब वो चांद के लाइट से वो मतलब जलती है रात को। मतलब मेरे को भाई लोग घुमा रहे अपने एरिया, मतलब ढाका में सबसे अच्छे अच्छे जगह। एक दिन देखो, मुझे भी पता है, तुम लोगों को पता है कि एक दिन में सारा कुछ घूमना पॉसिबल नहीं है, तो काइंड ऑफ मैं इधर उधर थोड़ा बहुत जाऊँगा ताकि कुछ कवर कर पाऊँ। मतलब सब कुछ तो नहीं हुआ, और दुख की बात यही है कि मेरे को आज ही मतलब जाना पड़ेगा और मैं रह नहीं पाऊँगा। दिस इज़ काइंड ऑफ सो सैड। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज ही थोड़ा सब कुछ एक्सप्लोर कर लूँ। आई होप तुम लोग इन्जॉय कर रहे हो, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, पहली बार आया हो बांग्लादेश। अभी कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी हम पुरान ढाका जाएंगे, ओखाने किछु हमरा खाबो, पर हमरा न्यू मार्केट जाबो। सो लेट्स एन्जॉय। और जो लोग मुझसे मिल नहीं पाए और चले गए गुस्सा करके, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गाइस मैं जानबूझ के ये नहीं किया हूँ, जो ट्रैफिक था वो मेरे को रोका है। मैं करता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग शहीद मीनार में आए हुए हैं। कोई बात नहीं भाई, ये बात गाइस, दिस इज शहीद मीनार और ये ढाका में है। एक इसका स्टोरी बताओ भाई जरा। मैंने भाषा आंदोलन शुरू हुआ पाकिस्तान में आमले। अच्छा, तो যারা আর কি ভাষার জন্য উর্দু ভাষা মানি না, একটা আন্দোলন ছিল তখন 52 সালে। তখন মাতৃভাষাগুলোকে যেমন রাস্তা নাম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা, তখন তাদেরকে গুলি করা হয়েছে। গুলি করার জন্য সালাম, জব্বার, রফিক এরকম অনেকজন মারা গেছিল। তারপর তাদের স্মরণীয় अच्छा मैं तुम लोगों को बता दूँ, ढाका में जो है ना पूरा जो बांग्लादेश में है, हर एक कंट्री में, ऐसा कोई भी वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिधर नंबर प्लेट इंग्लिश में ना लिखा हुआ, लेकिन दिस इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे अपने लैंग्वेज में, अपने देश के लैंग्वेज में नंबर प्लेट लिखा जाता है अपने गाड़ी के सामने। चाहे कोई भी कार हो, लग्जरी कार हो, BMW, मर्सिडीज, ये जैसे कि देख पा रहे हो पूरा भाई पूरा बंगाली में लिखा हुआ है, एक भी दूसरे लैंग्वेज इंग्लिश है। तो गाइस मीटअप वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया, अभी हम मुझे घर छोड़ने आया भाई। थैंक यू सो मच ब्रो, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। चंद भाई आपको कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाइस अभी मैं घर जा रहा हूँ उबर में। सो फाइनली मैंने मीटअप कम्प्लीट कर लिया बांग्लादेश में। अभी कोलकाता वाले मुझे बोलेंगे कि भाई जो कोलकाता का बंदा है मीटअप कर रहा बांग्लादेश में। देखो बांग्लादेश में मैं एक ही टाइम के लिए आया हूँ, ठीक है, और शायद मुझे पता नहीं मैं कब आऊँगा नेक्स्ट टाइम, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी मैं एक ही दिन में मीटअप कर लिया। और बहुत लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, भीड़ बहुत हुआ था। तो मेरे को अभी तो ये यकीन हो गया कि अपने इस गैंग का पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत बहुत सॉरी जिनसे मैं मिल नहीं पाया, जो लोग चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा सॉरी, मतलब सीरियसली 4 घंटा उन लोगों ने वेट किया मेरे लिए सिर्फ। सुबह 10, एक बंदा 10 बजे आया, एक बंदा 400 किलोमीटर दूर से आया। कहाँ से आया वो जगह? चिटागांव से आया, सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने। मतलब तुम लोगों का यार प्यार दिल जीत लिया, मतलब
मेरे को बांग्लादेश का कुछ एक जो अच्छा लगा, यही चीज़ अच्छा लगा कि तुम लोगों का प्यार, भाई इतना प्यार करते हो अपने भाई को इतना। तो फिलहाल जैसे कि देख पा रहे हम लोग रिवर के ऊपर है, ये देखो बाहर रिवर है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद तुम लोग आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर तुम लोग आज की वीडियो अच्छी लगेगी, बहुत मेहनत हो रहा है तुम लोगों के लिए भाई, बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ नया आने वाला है चैनल में। सो गाइज आई होप तुम लोग को अच्छा लगा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब कैन वी लाइफ स्टाइल, बोलना नहीं पड़ेगा, और शेयर मारो और प्यार करो। फिर मिलता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर और गुड नाइट सबको, बाय।